कैमरामैन अमजद के साथ में मैं डोंगरी पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक कामले साहब से ज़रा ज़रा बात करना चाहूँगा। सर, ये जो आपके कांधों पर जैसे जो फेस्टिवल का बोझ आपके कांधों पर रखा हुआ है, तो आप किस तरह से इसको ले रहे हैं? क्या इसमें आपको पब्लिक का समर्थन, पब्लिक का सहयोग, जो हमारे सोशल वर्कर हैं उनका सहयोग आपको मिल रहा है, किस तरह का? एकदम बिल्कुल सही है कि आज मुहर्रम का सातवीं रात है और गणेश चतुर्थी का पांचवा दिन है। तो गणेश चतुर्थी का पांचवा दिन आज जो गणपति विसर्जन हो रहे हैं उनके लिए हमारा सेपरेट बंदोबस्त है, मुहर्रम के लिए सेपरेट बंदोबस्त है। और एक ऑफिसर के साथ कई गुना 5, 7, 8, 10 ऐसे जो सोशल वर्कर्स हैं उनके ऊपर हमारा जो बंदोबस्त है निर्भर है और बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों का सहयोग मिल रहा है। जो मुहर्रम के संस्कार है, जो उनके रीति रिवाज से जो उनका काम चल रहा है वो भी पीसफुली है और सभी मुस्लिम भाई यहाँ मुहर्रम के लिए ही नहीं लेकिन गणेश चतुर्थी के लिए भी हमको मदद कर रहे हैं और इसके कारण जो फंक्शन से दोनों कार्यक्रम हैं वो एकदम शांततापूर्ण चल रहे हैं। और डोंगरी तो मुहर्रम के लिए प्रसिद्ध है और इसमें हमारा ज़्यादा फोर्स लगा हुआ है, वैसे ही गणपति का भी है लेकिन बैलेंस इसलिए है कि पुलिस चौकन्नी है और सोशल वर्कर्स भी हमारे साथ हैं। जी जी सर, वो इसीलिए मैं कह रहा था कि आपको जैसे दो दो फेस्टिवल एक साथ में आए हैं तो दो फेस्टिवल का वज़न आपके कांधों पर आ जाता है, तो उस वज़न को आपके सोशल वर्कर जो हैं वो कहीं डिवाइड कर रहे हैं आपके उसको, जैसे कि अभी आपने बताया। बिल्कुल, दो जो फंक्शंस है, दो फंक्शन जो है, दो फंक्शन सिर्फ सोशल वर्कर के कारण ही हम संभाल पाए हैं क्योंकि जो गणपति के लिए जो बंदोबस्त लगा है वो अगर गणेश चतुर्थी नहीं होता तो इधर लग जाता। अच्छा, लेकिन एक ऑफिसर तो के पीछे सोशल वर्कर हमारे आपके दरमियान अभी मौजूद हैं, जैसे कि मलिक साहब खड़े हुए हैं हमारे साथ में। जी मलिक साहब, आप जो है किस तरह का योगदान आप इसमें कर रहे हैं? हम लोग हर साल यहाँ पे पुलिस को सपोर्ट करते हैं, हमारे इलाके को हम लोग देखते हैं, यहाँ पे कोई कुछ ऐसी एक्टिविटी ना होने पाए, कोई एक दूसरे को भाईचारा ना तोड़ने पाए, इसलिए हम लोग यहाँ पे हर साल हमारे इलाके में बैठ के पुलिस की मदद करते हैं, अपने लोगों को संभालते हैं, सबको संभालते हैं। अच्छा, हिंदू मुस्लिम एकता मंच का आप काम कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी मकसूद भाई जी, हम आपके बारे में सुना है जी, बहुत साल से आप जो है खिदमत खल कर रहे हैं, बहुत लोगों की आप सेवाएं कर रहे हैं जी, तो इस साल आपका जो है क्या अनुभव आपका रहा, क्योंकि गणपति और साथ में मुहर्रम दोनों एक साथ में आए हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो ये कहना है कि हम चाहे गणपति हो चाहे मुहर्रम हो, हमें इस फेस्टिवल को बहुत अच्छे से और शांतिपूर्ण निभाना है और हमें किसी को तकलीफ नहीं देनी है कि हमारी जात से किसी को तकलीफ हो। और ये का जो वो फेस्टिवल है ये बहुत शांति से और बहुत अच्छे से निप जाए, ये लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी है और हम लोगों के लिए बहुत कर रहे हैं जी। तो कितने साल से आप ये इसको अंजाम दे रहे हैं? मैं तो जब से बालिग हुआ हूँ तब से हम लोग यहीं पर हैं और यहीं के रहने वाले हैं और हमारे राजू भाई, हमारे भाजी साहब, हम लोग सब मिल कर यहाँ पर हर प्रोग्राम सब मिल के करते हैं और हर तरह के मज़हब के गणपति भी हम लोग सब जैसे। हाँ, इस वक्त एक्चुअली मेरा इंटरव्यू लेने का मकसद सिर्फ ये है कि जैसे कि गणपति और मुहर्रम एक साथ में आया है जी, और ये डोंगरी इलाका ऐसा है कि जैसे उमर खाड़ी का उमर खाड़ी में का एक राजा बहुत मशहूर है, बहुत जी, जी, जी। दूर से लोग आते हैं, इसी तरह से मुहर्रम में बहुत महाराष्ट्र की पब्लिक, बहुत दूर दूर से पब्लिक आती है, तो ये ज़रा बहुत अभी बोला मलिक भाई ने सेंसिटिव मौजू है, तो हकीकत बात ये है कि इस वक्त जो है जिम्मेदारियाँ बहुत बढ़ जाती हैं। जी जी बिल्कुल, है ना बिल्कुल। तो इस वक्त जिम्मेदारियाँ आप बाखूबी निभा रहे हैं, पुलिस आपको पूरी तरह कॉपरेट कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे से कर रही है
और मैं एक बात आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि डोंगरी को सेंसिटिव कहा जाता है, मगर ये डेंगरू डोंगरी जो है यहाँ पर विठ्ठल मंदिर है, यहाँ पर गणपति का मंदिर है, यहाँ चर्च है, यहाँ मस्जिदें हैं और हर मजाहब के मस्जिदें और दरगाहें हैं, तो ये इस बात का सबूत देता है कि यहाँ पर सब मिल के रहते हैं। ये सेंसिटिव कहा जाता है लेकिन हम लोग सब मिल के यहाँ करते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाशिम भाई, आप क्या कहना चाहेंगे हाशिम भाई इस बारे में? इम्तियाज भाई ने अपनी राय बताई। रात को 2 बजे भी अगर कोई लेडीज़ निकल जाती है तो उसको कोई साथ में कोई जैसा मर्द आदमी नहीं भी रहे तो यहाँ फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छा। हमारा एरिया का सिर्फ ऐसा बताया जाता है कि सेंसिटिव है लेकिन कुछ नहीं है। यहाँ रात को 2 बजे 3 बजे कभी भी कोई भी लेडीज़ आ सकती है, अकेले भी आ सकती है। और यहाँ पर माहौल देखिए आपने, कितना रश है। हमारे जे जे के सीनियर साहब, अच्छा सुरेन गायकवाड़ साहब, गायकवाड़ साहब हमारे साथ में जुड़ गए हैं, जे जे पुलिस स्टेशन के सीनियर वरिष्ठ निरीक्षक गायकवाड़ साहब। गायकवाड़ साहब, जैसे अभी ये गणेश उत्सव का फेस्टिवल और ये साथ में मुहर्रम का, तो इसके बारे में सर जैसे डबल प्रेशर आ जाता है एक साथ में, तो ये प्रेशर को आप कैसा महसूस करें? पुलिस के साथ में पब्लिक क्या कोऑपरेट आपको कर रही है? हमने दोनों कौमों से मीटिंग लिया है, उनसे बातचीत किया है, दोनों का अलग अलग कार्यक्रम के लिए अलग अलग बंदोबस्त लगा दिया है, हमको एक्स्ट्रा बंदोबस्त भी मिला है और मुआज मजिद के लिए अलग बंदोबस्त के लिए मुकर्रर किया है, गणपति प्रोग्राम के लिए अलग अलग बंदोबस्त इंतजाम किया है, इसलिए कोई एक दूसरे को क्रॉस नहीं होता है। हम दोनों फेस्टिवल बड़े आराम से और शांति से और उत्सवपूर्वक हम पार कर रहे हैं। पूरी शांतिपूर्वक चल रहा है सब, पूरी शांति से हमें पूरा समर्थन आपको मिल रहा है, पूरा पब्लिक का पूरा समर्थन, पूरा शिया भाई हो, सुन्नी भाई हो, मराठी भाई हो और भी कोई जो भी लोग हमारे इलाके में रहते हैं वो सब हमारे साथ में है और हम उनके साथ में है। बॉम डुबरे से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों का, पूरी यूनिटी का, पूरी जितने भी आप लोग हैं पूरे मेम्बरान का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद।